फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 29 के बासिंदे सड़कों के निर्माण और जलभराव को लेकर काफी दिनों से परेशान थे। कई बार अपनी गलियों के निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन भी करते दिखे। उनकी समस्याओं को देखते हुए महापौर नूतन राठौर ने आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा, और अपने इसी वादे को पूरा करने के लिए आज महापौर नूतन राठौर ने वार्ड नंबर 29 के मोहल्ला अम्बेडकर नगर पप्पन नेता से काशीराम विहार कॉलोनी के गेट तक नाली एवं कलर स्ट्रिप के साथ इंटरलॉकिंग सड़क के निर्माण कार्य का शुभारम्भ नारियल फोड़कर किया। मेरा नाम पप्पन राठौर। तो हम लोग मांग कर रहे थे, कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, जाम वगैरह भी लगाया, उसके बाद में आज इसका उद्घाटन हुआ है तो हमें बहुत खुशी है। हमारे क्षेत्रवासियों को, सभी गलियों के जो लोग हैं उनको बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि अब हमारा निर्माण कार्य हो जाएगा, जिससे हमारे बच्चों को आज आने जाने में परेशानी नहीं होगी। और साथ ही मोहल्ला रानीनगर में राजेंद्र राठौर के मकान से खजान सिंह राठौर के मकान के आगे तक नाले की पैरापिट वॉल और पेंटिंग कार्य का भी शुभारम्भ किया। महापौर ने बताया कि इन दोनों कार्यक्रम में लगने वाली कुल लागत 27 लाख रुपए के आसपास है। आज बढ़िया काम है, अब बहुत जाम लगाओ, बहुत दिक्कतें आ रही, रात बिरात निकलने बैठ ना पा रहे। देखिए, आज नगर निगम सीमा में वार्ड नंबर 29, इससे पहले हमने रानी नगर में जो हमारा रानी नगर का नाला है उसकी पैरापिट वॉल का शिलान्यास किया, और इस समय हम अंबेडकर नगर में खड़े हैं और यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ पर विकास की धारा बहे। तो आज उसी कड़ी में अंबेडकर नगर में, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पप्पन नेताजी हैं, उनके घर से लेकर जो अंदर काशीराम बिहार गेट जो कॉलोनी है वहाँ तक इस सड़क का निर्माण कार्य होना है। इंटरलॉकिंग सड़क बनेगी, नाली निर्माण कार्य होगा, और इस कार्य की लागत लगभग 21 लाख रुपए है। और यहाँ के लोग जिस प्रकार से अभी जीवन जी रहे हैं, मुझे पता है काफ़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि अभी कच्चा इलाका है, बढ़ी हुई आबादी है, धीरे धीरे हर क्षेत्र में विकास पहुँच रहा है। और आज यहाँ पर यहाँ के जितनी भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, भाई बंधु हैं, सबकी गरिमामयी उपस्थिति में आज इस कार्य का शिलान्यास किया है। चूँकि बारिश का भी समय, बारिश हो रही है, तो आगामी जैसे ही जब ये सड़क बनके तैयार हो जाएगी, यहाँ के क्षेत्रवासियों को काफ़ी राहत मिलेगी। यहाँ पे ये लगभग 27 लाख के जो निर्माण कार्य हैं उनका शिलान्यास किया गया है।